बर्फ के फाहे देखने की चाह लिए पर्यटन स्थलों में पहुंचे पर्यटकों की आज मौसम ने इच्छा पूरी कर दी। सुबह ही पर्यटक मनाली से कोकसर, खुटबिहाल, सिसु व नर्सरी पर्यटन स्थल के लिए रवाना हो गए। सुबह के समय भारी बारिश लगी थी, लेकिन 10 बजे के बाद पर्यटन स्थलों में बर्फ के फाहे गिरने का दौर शुरू हो गया। पर्यटकों ने बर्फ के फाहों को कैमरे में कैद कर लिया और खूब आनंद लिया। भारी हिमपात होता देख लाहौल स्पीति पुलिस ने पर्यटकों को वापस मनाली भेज दिया। अटल टनल के दोनों छोर में पर्यटकों ने बर्फ का आनंद लिया। कुछ देर के लिए तो पर्यटक टनल के छोर में बर्फ का मजा लेते रहे, लेकिन टनल के आसपास भी हिमपात अधिक होता देख मनाली पुलिस ने पर्यटकों को वापस मनाली भेजना शुरू कर दिया। पर्यटकों ने सिसु व नर्सरी सहित अटल टनल के साउथ व नॉर्थ पोर्टल में बर्फ के बीच खूब अटखेलियां की। दोपहर बाद मनाली के पर्यटन स्थल रोहतांग सहित सोलंग नाला, अंजनी महादेव, फातरू, कोठी व गुलाबा में भी बर्फ के फाहे गिरने का क्रम शुरू हो गया। ताजा बर्फबारी के कारण अटल टनल रोहतांग में सड़क तक 2 इंच ताजा बर्फबारी की परत जम गई। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अटल टनल के सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया। सोलंग नाला से आगे किसी भी वाहन को नहीं भेजा गया। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि सड़क से बर्फ हटने तक सोलंग नाला तक जाने की अनुमति रहेगी। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।